हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मारुति ब्रेज़ा, जो कि मारुति नए इंजन के साथ लाई है, बिल्कुल BS6 इंजन के साथ। तो आइए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको दिखाता हूँ कैसी है मारुति ब्रेज़ा। तो सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो फ्रंट लुक में जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके हेडलैम्प्स में जो चेंजेस किए कंपनी ने। ये देखिए, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो आपको दिया है, इसमें ये LED भी है और ये इंडिकेटर भी है। और यहाँ पे जो कंपनी ने चेंज किया, ये LED हेडलैम्प्स आपको दे दिए यहाँ पे। और नीचे जब आप जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। ये ZXi वेरिएंट है, इसमें आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। और ग्रिल आपको बिल्कुल सेम मिलेगी जैसे ZXi प्लस में है। दोस्तों, मैं आपको इसका एक बार साइड लुक दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ से। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसके साइड से। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। देखिए आप, अलॉय व्हील्स का कितना अच्छा डिज़ाइन कंपनी ने दिया है यहाँ पे। और दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ इसके साइड में। तो साइड व्यू जब हम इसका देखते हैं तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये कार यहाँ से। और बिल्कुल देखिए आप, ग्रे कलर में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये इसका साइड व्यू। और मैं आपको इस पर, यहाँ पे कंपनी ने इसमें रूफ रेल्स दिए। ये देखिए, ये जो रूफ रेल्स है, ये कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके के दिए एकदम। थोड़ा मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड व्यू एक बार पूरा। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी ने चेंज किया है वो किया है बहुत ही बड़ा चेंज। यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा आप इसको नहीं कह सकते। ये जो हेडलैम्प्स है, ये थोड़े उभरे हुए से हैं। पहले ये बिल्कुल इसके फ्लैट लगते थे आपको एकदम से, अब ये थोड़े से यहाँ से उन्होंने ऊपर कर दिए। और इनमें भी LED है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो दोस्तों आइए, यहाँ पे मिल जाता है आपको वेटेरा ब्रेज़ा, पूरा ब्रेज़ा का नाम। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और यहाँ आपको डुअल टोन में बम्पर, सिल्वर कलर है ये, और डुअल टोन बम्पर आपको बहुत पसंद आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, और दोस्तों मॉडल इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, पहले यहाँ पे लिखा आता था ZXi या ZX जो भी है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है ZXi। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लुक में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से दूसरी साइड से कैसी लग रही है। एक पूरा मैं आपको व्यू इसका यहाँ से दिखा देता हूँ, कैसी लगती है पूरी कार। दोस्तों देखिए, ये ब्लैक आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें। और ये पूरा साइड व्यू, और ये आपको यहाँ पे साइड मिरर में मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं एकदम। और चलिए अब इसके अंदर देख लेते हैं एक बार कैसी है, क्या चेंजेस कंपनी ने किए हैं। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर की आपको बात करूं, तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा एक फ़ीचर यहां पे, वो है हाइट एडजस्ट का। इससे आप हाइट एडजस्ट करते सकते हैं। हाइट एडजस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको कितनी ऊंची बैठ के कार चलानी है, थोड़ा आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रेस्ट के लिए, बैक रेस्ट के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर ये दिया है यहाँ पे। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से, मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग ज़रा सीट पीछे कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों अब यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये है इसके चारों पावर विंडो। और यहाँ पे आपको ये वाला जो मिरर है वो आपको ऑटो मिल जाता है। एक आप यहाँ से बटन प्रेस करेंगे एक बार में
शीशा पूरा उतर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप बटन, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है फ़ोन की, फिर भी अगर मैं आपको कोशिश करूँ दिखाऊँ तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन। और यहाँ पे अगर थोड़ा मैं आपको गेट खोल के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन इंजन का, यहाँ पे आपके साइड मिरर कंट्रोल, यहाँ पे आप लेफ़्ट वाले कर सकते हैं नीचे करके, यहाँ पे आप लेफ़्ट वाले करेंगे, राइट करना तो आपको यहाँ करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और ये आपको मिलता है, आप हाई बीम कितना लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, मतलब जब आप देखते हैं रोड पे तो व्यू कैसा आएगा। आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आपकी आपको लगेगा लाइट्स जैसे थोड़ा और ऊपर दिखा रही है, नीचे दिखा रही है। तो ये सब फीचर लाइट्स के लिए। और अब मैं आपको दिखा दूँ इसके स्टेयरिंग कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों जब आप अंदर घुसते हैं कार में, तो सबसे पहले आप कार में बैठते ही देखते हैं ये मारुति ब्रेज़ा का स्टेयरिंग, जो कि बहुत ही अच्छे लुक में है। यहाँ पे आपको मिलता है सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आपको कुछ मिलते हैं मोड, यहाँ पे आपको ये सब म्यूज़िक सिस्टम के हैं, ये इसकी वीडियो में आपको अलग बना के दिखाऊँगा। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, गाने आप सुनते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का मिल जाता है, और यहाँ पे भी कोई फीचर है और देखिए आप। और यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है ZXI मॉडल में। ये आपको पार्किंग लाइट यहाँ पर मिल जाती है, ये थोड़े से स्क्वायर शेप में लग रहे हैं मुझे। और देखिए एसी वेंट्स। और दोस्तों एक मैं आपको पूरे डैशबोर्ड का एक बार लुक दिखाना चाहूँगा, देखिए पूरा डैशबोर्ड आप कितना सही लग रहा है, अच्छा एकदम। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लव बॉक्स, दो ग्लव बॉक्स आपको मिलेंगे। एक तो ये रहा जिसमें आप यहाँ पे थोड़ा सामान रख सकते हैं अपना, कोई एक्स्ट्रा, कोई आपकी डायरी होगी, सामान हो गया, वो सब इसमें रख सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लव बॉक्स नीचे की साइड, जिसमें लाइट है। अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइट भी मिल जाती है इसमें डैशबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों डैशबोर्ड जो है इसका, जो इसका ग्लव बॉक्स है, इसमें आपको एयर कूल नहीं मिलेगा, वो आपको ZXI टॉप मॉडल में शायद देखने को मिल सकता है। ZXI में आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए, एक बार मैं आपको पीछे का पूरा लुक दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा स्पेस लग रही है कार में। और यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ पूरा करके। और दोस्तों मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, थोड़ा सा खोलने में टाइम लग गया लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप देखिए, ये मिल जाता है यहाँ पे मिरर। और यहाँ पे आपको मिल जाती है लाइट्स, ये देखिए आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको कुछ लाइट्स मिल जाती हैं दो, यहाँ पे आप इसको ऐसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ़ीचर और मिलेगा, जो आपके गॉगल्स रखने के लिए काम आएगा, जो ब्रेज़ा में पहले शायद नहीं था लेकिन अभी इन्होंने दे दिया है। और दोस्तों एक आपको जो लाइट है वो यहाँ पे भी मिलेगी, इसमें भी LED नहीं है और ये भी हेलोजन ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मारुति ब्रेज़ा पूरा अंदर से। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये मेरे ख्याल से 7.9 इंचेस का है ये जो है म्यूज़िक सिस्टम टच स्क्रीन। और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एसी कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके फॉग लैंप्स का, ये रियर का है, ये फ्रंट का है, ये वाइपर का है,
ओ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रूज़ कंट्रोल के लिए ये सब यहाँ पे। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जो कि आपको थोड़ी कैमरा क्वालिटी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी आपके मोबाइल के लिए स्पेस। और यहाँ पे गियर बॉक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अच्छे से फिनिशिंग में, यहाँ पे साइड में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है। और बिल्कुल कोने में आप देखेंगे तो हल्की सी क्रोम फिनिशिंग लगती है आपको, उससे एक लुक आ जाती है गियर बॉक्स में। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, जिसमें भी बटन में जब आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपको मिल जाता है बटन जो है क्रोम फिनिश में। यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, दो ग्लास इसमें रख सकते हैं, एक छोटी सी स्पेस यहाँ पीछे भी। तो दोस्तों ये थी अंदर से, मैं आपको एक बार फिर से पूरा लुक दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे इसमें कितनी स्पेस है कार में, और पीछे से जब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा स्पेस। तो दोस्तों आप पीछे देखिए, ब्रेज़ा में तो पहले भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस थी और कंपनी ने इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ज़्यादा लेग रूम है बिल्कुल, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है कुछ अपना सामान रखने के लिए, लेकिन इधर आपको एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे रियर में, और ना ही आपको यहाँ पे चार्जर मिलेगा ZXi में। और दोस्तों यहाँ पे आपको पीछे मिल जाती है एक ट्रे जिसमें अपना कुछ सामान भी आप रख सकते हैं, और ये एडजस्टेबल आपके पीछे वाली सीट्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे भी आपको एक आर्म रेस्ट दिया गया है जिसमें आप यहाँ पे दो कप भी रख सकते हैं, और ये था पीछे वाला आर्म रेस्ट, और ये भी बहुत अच्छा फीचर होता है पीछे बैठने वालों के लिए। तो दोस्तों ये थी अंदर से, और ये देखिए आप एक बार अंदर से आप पूरा लुक देख लीजिए कितना अच्छा है। और दोस्तों अब मैं आपको एक बार इसका पूरा लुक दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप देखिए पूरा इसका डैशबोर्ड लुक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ब्रेज़ा आप ज़रूर बताएं मुझे, आपके कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी रहते हैं मेरे लिए। और दोस्तों कमेंट करते हैं जब भी हम आगे वीडियो बनाते हैं ताकि और अच्छी लगे देखने में, कैसा आपको लग रहा है, कैसा आप बता रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हेडलैम्प्स इसके। सबसे पहले मैं आपको इसके हेडलैम्प्स का लुक दिखाना चाहूँगा जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प्स में आपको दे दिए यहाँ पे DRLs, और यही इंडिकेटर भी है, फॉग लैम्प आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे। दोस्तों ये जो मैं आपको बात कर रहा था, ये LED बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लग रही है एकदम। यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाना चाहूँगा पीछे का, ये देखिए दोस्तों ये जो चेंज किया है कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छा चेंज किया है। और ये जो उभरी हुई जो लाइट्स लग रही है इसकी टेल लाइट, ये बहुत ही अच्छा फीचर लग रहा है जो कंपनी ने चेंज किया है। तो दोस्तों अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया इसके लाइट्स। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो इसमें चेंज है वो है BS6 इंजन, और जो दूसरा इसमें चेंज है वो है इसकी टेल लाइट्स और हेडलैम्प्स, और ज़्यादा कोई बड़ा चेंज कंपनी ने किया नहीं है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके एक पूरे छत का लुक कैसी है कार की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको मॉडल अभी दिखाया है, जो ये है ZXi मॉडल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ZXi मॉडल, ज़रूर आप मेरी वीडियो में बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं आपके लिए आगे आगे नई नई ऐसी वीडियोस लाता रहूं और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो कीमत है वो आपको ZXi मॉडल की आपको ऑन रोड कीमत जो पड़ेगी वो 10,44,000 यानी 10,44,000 की पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ब्रेजर ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।